ओके स्टूडेंट्स, सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस की किस तरह से कंपनी के जो फरमान्स और ड्यूटी फ्री टैक्सेस है उन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी बंगाल के नवाब ने। अब आगे देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी कैसे स्टार्ट होता है, ये भी एक तरह से बैकग्राउंड ही है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756, अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि अलीवर्दी खान जो है मुर्शिद कुली खान के बाद जो नवाब बनते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है 1756 में। देन आफ्टर दैट सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब, मैंने आपको फोटो दिखाई थी बुक में, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब सिराजुद्दौला जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट नवाब थे बंगाल के, और कंपनी जो है बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है इससे, कंपनी वॉज वरीड विद दिस, है ना, किससे, सिराजुद्दौला के नवाब बनने से। व्हाई, क्यों, बिकॉज दे वांटेड द पपेट रूलर। अब व्हाट इज पपेट, पपेट आपने देखा होगा कि कठपुतली, है ना, जैसे हम लोग कठपुतली को क्या होता है अपने इशारों पर नचाते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं और अपने इशारों से उसको नचाते हैं, तो कंपनी को भी किस कुछ इसी तरह का पपेट रूलर चाहिए था। कंपनी खुद रूल नहीं करना चाहती थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कंपनी क्यों रूल नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो कंपनी है वो पपेट रूलर चाहती थी, सिराजुद्दौला की तरह स्ट्रिक्ट रूलर नहीं चाहती थी। Due to this interference of company, सिराजुद्दौला was not happy with the company. अब कंपनी जो है वो सिराजुद्दौला बड़े स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने फरमान और ड्यूटी फ्री टैक्सेस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, तो अब कंपनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और कंपनी जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस ऑफ कंपनी सिराजुद्दौला वॉज नॉट हैप्पी विद द कंपनी। अब कंपनी ने जो है कुछ इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया जिससे सिराजुद्दौला और ज्यादा नाराज हो गए। वो क्या इंटरफेरेंस थे, सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू स्टॉप मेलिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर, उनके जो राजनीतिक मामले थे उसमें कंपनी हस्तक्षेप करती थी कि कहाँ पर गुड्स ले जाना है कहाँ पर नहीं ले जाना है या कहाँ पर टैक्सेस देना है कहाँ पर नहीं देना है, उसमें धीरे 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 मार्केट की पॉलिसीज के ऊपर कंपनी ने जो है अपने सिक्के भी स्टार्ट कर दिए थे मार्केट में चलाना। तो इस तरह से जो सिराजुद्दौला है उन्होंने कंपनी को कहा कि स्टॉप डूइंग द इंटरफेयर इन माई पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टॉप फोर्टिफिकेशन मीन्स जो किलेबंदी कर रहे थे उन अंग्रेज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश मैन जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उस पर भी पूरी तरह से सिराजुद्दौला ने कहा कि आप किसी भी तरह की किलेबंदी नहीं होगी। पे द रेवेन्यू, अब आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा, लगान देनी पड़ेगी या जो भी टैक्सेस है वो चुकाने पड़ेंगे। बट द नेगोशिएशन फेल्ड, अब सिराजुद्दौला जिस तरह से कंपनी को ये सब करने के लिए मना कर रहे होते हैं बट ये सारे नेगोशिएशंस जो है वो फेल हो जाते हैं। नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिमपुर। अब अंग्रेज जो है ये सब करने से मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं हम तो फोर्टिफिकेशन भी करेंगे, नहीं हमें ड्यूटी टैक्स भी फ्री कर दीजिए, नहीं हमें फरमान को ही फॉलो करने दीजिए, है ना, लेकिन नवाब बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिमपुर। कासिमपुर बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर जो है नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सोल्जर्स के साथ जाते हैं एंड कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लॉक्ड द वेयर हाउस, dismissed the Englishmen and blockaded English ships, और वहाँ पर जाकर के पूरी तरह से stop कर देते हैं जो, और किलेबंदी को उनकी पूरी तरह से fail कर देते हैं और उनके जो उनका जो गुड्स है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं और ships जो उनके आने वाली होती है उसको भी blockade कर देते हैं, आना उनका आने का रास्ता बंद कर देते हैं। Then he marched to Calcutta, इसके अलावा वो कैलकटा पे भी मार्च करते हैं एंड टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर, और वहाँ पर जो कंपनी का जो फोर्ट जो किलेबंदी हो रही थी उसको भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सोल्जर्स जो है अपने वहाँ पे तैनात कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये सब होने के बाद क्या कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो स्टॉप हुए होंगे। अच्छा, इसके अलावा सिराजुद्दौला के बारे में एक बात और कही जाती है जो कि ब्लैक होल की घटना के नाम से मशहूर है कि सिराजुद्दौला ने कंपनी इंग्लिश के जो सोल्जर्स थे इंग्लिश सोल्जर्स उनको कंपनी ने सॉरी सिराजुद्दौला जी ने उनको एक रूम में
बंद कर दिया था और उन्हें दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो कंपनी जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है सिराजुद्दौला के इस एक्ट से, और कंपनी ऑफिसर्स जो है वो स्टॉप नहीं होते हैं यहाँ के बाद, वो चुप नहीं बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं।